Hey guys, कैसे हो? कहूँ मैं वापस से अपने चैनल पे, क्योंकि ये कौन सा वर्ड लेते, ये हमारा पुराना वाला वर्ड है जिसको मैंने काफी मेहनत के बाद वापस से स्टार्ट तो कर लिया है, पर इसके एपीएस देखो तो काफी ज्यादा कम आ रहे हैं। और आप लोग सोच रहे हैं मैं इस टाइम कहाँ पे हूँ? अगर वीडियो नहीं देखे तो वाले जाके वीडियो जरूर से देखना। मैंने एक पिरामिड बनाया था, अगर आपको याद हो तो, पिरामिड में काफी अच्छे डेकोरेशन किए हैं जिसके कारण गेम पूरी लैगी हो चुकी है। मतलब 20-30 FPS आ रहे हैं मात्र, बताओ 60 FPS मिलने वाला गेम में 30 FPS आ रहे हैं। इन्होंने वो वाला वीडियो नहीं देखा, फटाफट से जाके देखो, काफी अमेजिंग वीडियो है। बहुत मेहनत लगी थी इस पिरामिड को बनाने में। की वीडियो में मैं आपको अपना पूरा ब्यूटीफुल वर्ल्ड री एक्सप्लोर कराने वाला हूँ। मैंने क्या क्या सारी चीजें बना रखी है, जो भी चीजें मैंने आज तक की है वो सारा कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। काफी अमेजिंग होने वाली है, अंतिम तक बने रहना क्योंकि आप लोग वीडियो बीच में छोड़ देते हो कि बहुत गलत बात है। पहले तो मैं आपको इस यहाँ का टूर दे दूँ, तो देख लो ये पहला तो हमारा जो हमारा है, क्या कहते हैं, पिरामिड है, जिसको मैंने रियलिस्टिक लुक देने के लिए बीच में चार पिलर्स भी तगड़े तगड़े दे रखे थे। अच्छा लुक है, मतलब समझ रहे हो ना। हाँ। चारों साइड चार अलग अलग थ्रोन दे रखे थे कि थोड़ी बहुत लाइटिंग भी सही हो, क्योंकि लालटेन तो लाइट करता है पर ये थोड़ा बहुत डिजाइनिंग में इसका थोड़ा घपला हो जाता है। मतलब समझते हो ना, मतलब आपको मत सिखा चल। देखो तो मैंने अभी तक इसमें कोई भी काम नहीं किया, जो कि वो करना बहुत जरूरी। देख सकते हो सामने के साइड बड़े बड़े केप बने हुए हैं और मुझे इसे बंद करना होगा और इसका थोड़ा लुक का और भी थोड़ा बेटर करना होगा। बाहर से भी कुछ तगड़ा दिखता है, ऊपर देख सकते हो थ्रोन जल रहे हैं और सामने से भी काफी खतरनाक लुक आते हैं। जो जरूरी चीज है जैसे कि हमारा आयरन फार्म, अगर आप लोगों ने पहला आयरन फार्म का वीडियो देखा होगा तो उसमें पता होगा कि वो आयरन फार्म अच्छे से वर्क नहीं कर रहा था, तो मैंने उसको तोड़ के एक नया आयरन फार्म बनाया तो भी वर्क नहीं किया। पर इस बार जो मैंने आयरन फार्म बनाया वो काफी अच्छे से वर्क कर रहा है, जिसपे आप लोग का भी काफी अच्छे से रिस्पांस था। और वो देखो वो रहा हुआ आयरन फार्म, ये तो आपने देख लिया। चलो मैं आपको कुछ और चीजें दिखाता हूँ। ये आयरन फार्म है और पता नहीं क्यों नहीं वर्क कर रहा, काफी टाइम शायद गेम लॉग इन नहीं किया था इसी कारण से हो सकता है वर्क नहीं कर रहा। A few inches later. हाँ, तो ये है वो पुराना वाला आयरन फार्म जो कि वर्क नहीं कर रहा था अच्छे से, तो अरे मुंह बिड़ गया मेरा। अब ये जो ये वाला एरिया है इधर इधर आपको मैं दिखाता हूँ, ये है हमारा क्रीपर फार्म जो कि ठीक ठाक ये भी वर्क कर रहा है। क्या आपको आपको पता होगा कि हमें रॉकेट्स की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, तो रॉकेट्स के लिए बार बार भटकना ना पड़े उसके लिए बनाए, मतलब गन पाउडर के लिए बार बार भटकना ना पड़े उसके लिए मैंने ये बनाया था। और ये सामने वाला जो मैंने बनाया था इसे मैं शिप यार्ड बोलता हूँ, कि मैं अगर कभी बोट वोट से आऊँ तो मतलब कहीं भी ना लगाऊँ यहाँ पे, मतलब ये अच्छा लगता था। मतलब मैंने यहाँ पे चार चार बोट भी लगा रखे हैं, मतलब डेकोरेशन टाइप का ये चीज़ था ये भी, तो ये भी काफ़ी गर्दा लुक आता था। मतलब ये मतलब बेस्ट 10 out of 10 का सकते हो, मुझे ऐसा लगता था। अगर आपको भी अच्छा लगा था तो बता देना कैसा लगा था, मुझे तो बढ़िया ही लगता था ये वाला। ऐसे मतलब पूरा यहाँ से ऐसे कहते हैं समंदर जा रहा है उधर जा रहा है, जैसे फिल्मों में नहीं होता, मतलब फिल्मों में बोल रहा हूँ शिप यार्ड होते हैं एक्चुअल में इसी टाइप से। और यहाँ पे एक क्राफ्टिंग टेबल है, एक फर्नेस और एक चेस्ट है जिसमें थोड़ा बहुत कूड़ा कचरा भरा हुआ है। और इसका मैंने रास्ता भी थोड़ा बहुत मिट्टीला वाला बना दिया था। वैसे काफ़ी सारे डेकोरेशन का काम बाकी, अगर आप लोग चाहते हैं मैं सीरीज को वापस से कंटिन्यू करूँ तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छा लगा करो तो वीडियो लाइक करो करो। और उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने फूड फार्म पे, जो कि आधा काम कभी काम करने लगता है कभी बंद हो जाता है, तो ये इसके अलग ही चोचले हैं, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों होता है। तो मैं सोच रहा हूँ एक न्यू फूड फार्म बना ही लूँ अच्छा सा, जिसमें मतलब भर भर के क्या कहते हैं खाने पीने का सामान। उसके बाद हमारा टॉम एंड जेरी का जेरी, मतलब मैं बना तो इसे क्या कहते हैं पोलर बियर रहा था, पर ये कैसे बन गया मुझे खुद समझ नहीं आया, पर मैं मेरे पास कुछ आइडिया है जैसे कि मैं इसमें वैसे ये काफ़ी सही लगता है, मतलब यार हंसी आ जाती है मतलब देख के, पर अच्छा ही लगता है। और अगर अंदर से मैं दिखाऊँ तो भाई मैंने पोलर बियर को काफ़ी अमीरी जगह देखा, क्योंकि गोल्ड 80 ना सोने के दांत है बंदे के, सोने के जगह सोना सोना लगेगा ये सोना सोना। और मैं इसका अंदर अबे अंदर जाके दिखाऊँ तो ये देखो भाई कमाल की जगह, मतलब प्योर थीम। और मैंने इसका नाम देख सकते हो जो मतलब मैंने तो ऐसे ही किया था, क्योंकि ये बेबी था, इसको बेबी से बाबा बनाया है मैंने, समझ लेना ये अलग तरह का बेबी हो गया, तुम लोग दूर रहो इससे। और ये सारी चीज़ें तो तुम लोग देख ही सकते हो, ये कहते हैं स्तंभ कल आग वाले जो भी लाइटनिंग का थोड़ा बहुत काम, ऐसे इनसे लाइट तो होता नहीं पर ऐसे ही। और फिर देखो ये हमारा जॉइंट अनलिमिटेड शुगर केन फार्म, भाई बहुत सारा शुगर केन जनरेट होता है, मैंने इससे इतना मतलब ट्रेड किया हुआ ना देख सकते हो, अभी भी जबकि काफ़ी टाइम से गेम बंद है मेरा तब भी ये मतलब इतना शुगर केन इससे अभी भी अवेलेबल है। देख सकते ये वाला बढ़ चुका है, जैसे ये पूरा बढ़ेगा और ये वाला भी थड़ाक से कटेगा, सारा शुगर केन आके इस चेस्ट में जमा हो जाएगा। उसके बाद देखाऊँ तो ये देखो ये हमारा है XP फार्म, क्योंकि शुरुआत में मैंने इसी XP फार्म को बनाया था क्योंकि मुझे छोटे मोटे XP की ज़रूरत पड़ती थी एन्चेंटमेंट करने के लिए। वैसे अभी भी मेरे पास ये इकलौता XP फार्म ही, मैंने अभी तक कोई भी XP फार्म एक्स्ट्रा नहीं बनाया, मेरा जो शुरुआत से ही एन्चेंटमेंट है। पर मैं एक बार सोच रहा हूँ कि
एक एंड में शायद मैंने एक बनाया था एक्सपी फार्म पर, मैं उसका वीडियो अपलोड नहीं किया था, क्या ही गधा आदमी। मतलब वो एक्सपी फार्म नहीं था, मतलब क्या करता था मैं, दो ब्लॉक डिग किया था, उसी में मैं जाके एंडरमैन को मार के आ जाता था, फिर वो मारने के लिए मेरे पीछे आते थे और मैं उनको मार देता था। तो वो एक ऐसा एक्सपी फार्म था जो कि मतलब यूजलेस और सेंसलेस था। इसको मैं एक बार अंदर से दिखाऊँ तो ये देखो, यहाँ पे बंदे आते हैं और मैं उनको ऐसे 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 मार देता हूँ, और जितना भी इसका सारा सामान है वो यहाँ नीचे में जाके जमा होता है, मतलब ये इसका कलेक्टिंग एरिया है। कुछ छोटा सा एक एक्सपी फार्म, और भी चीज़ें हैं, अभी काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बनाई हैं तो मैं वो सारी एक्सप्लोर करवा दूँगा। तो ये है हमारा एक ब्यूटीफुल सा वॉल, जो कि मैंने, काफ़ी छोटा वॉल है पर काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि अपने कासल के ज़्यादा बड़ा, अगर मैं ज़्यादा बड़ा वॉल देता तो अपना कासल ही नहीं दिखता, तो मैंने इसलिए छोटा वॉल देखा। वैसे मैं अभी कासल में काफ़ी सारे अपग्रेड करने वाला हूँ, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो कि मैं क्या क्या चीज़ें कर सकता हूँ अपने कासल। अपना मेन ये चीज़, ये हमारा है पांडा हाउस, इसमें तीन तीन पांडा है जो कि बहुत बदमाश और शरारती हैं। वैसे इसके ऊपर जाने का भी ऑप्शन है पर मैं अभी फिलहाल आपको बाहर से ही दिखाता हूँ। और मैंने इसका डिज़ाइन थोड़ा अजीब टाइप से रखा था, मतलब इसके पिलर, चारों पिलर छोटे बड़े मैंने बनाए थे, तो ये एक अलग चीज़ है। उसके बाद मैं देखूँ तो ये एक मेरा छोटा सा खेत, जो कि इसमें मैंने थोड़े बहुत शुगर केन और पंपकिन पाए और कैरेट्स उगने के लिए दे दी, कभी खाने पीने की किल्लत पड़ जाए तो कम से कम। और यह क्रैवल कहाँ से आ रहा है, ये एंडरमैन का खेला है, बहुत ख़राब बनता है वो, तो जहाँ था जो तो छोड़ता। A few moments later. जब मैंने सीरीज की स्टार्ट की थी तो उस टाइम पे मैं, मेरा कासल कुछ ऐसा नहीं दिखता था उस टाइम, मतलब टेक्नो गेमर्स की तरह, मतलब सेम, क्योंकि मैं टेक्नो गेमर्स का बहुत बड़ा फैन था, तो मैं मतलब बहुत बड़ा खेल, छोटा फैन नहीं बड़ा फैन, अब जो भी कह लो तो था, तो मैंने एकदम हूबहू उन्हीं की तरह स्टार्ट किया, और जो कि कह लो उनके तरह स्टार्ट करने से काफ़ी अच्छा सपोर्ट और प्यार भी मिला था सबकी। बगल में घोड़ों के तबेले भी बनाए, वैसे इस बार मैं काफ़ी बड़ा घर सारे जानवरों को रखने वाला बनाने वाला, वो भी वीडियो आएगी, बस थोड़ा दिन टाइम लगे क्योंकि ये वाला वर्ल्ड ओपन ही नहीं होता था। उसके बाद ये हमारा नेदर पोर्टल, जो कि मैंने थोड़ा यूनिक डिज़ाइन रखा था, थोड़ा अजीब सा भी है पर हाँ अच्छा लगता है ये वाला डिज़ाइन, मैंने काफ़ी सारे कारपेट, कॉबलस्टोन और काफ़ी कुछ किया था मैंने। हमारे कासल का लास्ट चीज ये विलेजर कासल, अब इसको मैं दिखा दूँ जरा आपको अंदर से, तो यहाँ देख सकते हो तीन तीन आयरन गोला में इनकी सुरक्षा में निर्धारित, एक दो तीन और चार हो गए, सॉरी चार हो गए। तो ये हमारा लाइब्रेरियन, इसमें से एक लाइब्रेरियन शायद मेरा मेंडिंग का है और जो कि मुझे याद नहीं कौन सा है, शायद वो मर भी चुका है मेरे ख्याल से। और अंदर में देखो तो काफ़ी सारे विलेजर्स हैं, जिसमें से कुछ नल्ले बेरोजगार व्यक्ति सब हैं, और ये इनका मतलब स्लीपिंग रूम है जहाँ पे मैंने काफ़ी सारे विलेजर्स को रखा हुआ है, क्योंकि इन्हें सोना भी तो पड़ता है इतना सारा काम कर। और इसका मैंने मतलब अंडरग्राउंड रूम बनाया था, ताकि मतलब इस टाइम पे रूम नहीं था, मैंने रूम बाद में बनाया था, जैसे मैं कर दूँ तो ये घंटा बजेगा तो सब भागेंगे अपने अंदर, पता नहीं ये लोग क्यों नहीं सोने जाते, शायद मुझे इनके लिए अलग बेड लगाना पड़ेगा, ये लोग नहीं जाते अंदर सोने के लिए। नहीं मतलब ये ने इस साइड लिए दे रखा था कि मतलब आपको थोड़ा रियलिस्टिक लगा, और सीढ़ियों के नीचे भी थोड़े बहुत चेस्ट हैं, क्योंकि मेरा सामान इधर उधर रखने की बहुत आदत है। जैसे क्लास वाले इंटर करते हो, ये हमारा थ्रोन है, मतलब थ्रोन के ऊपर का देखो तो मतलब ऊपर का कुछ खास इंटीरियर मैंने अभी बनाया नहीं है, उस पर भी काम चालू होगा। और हाँ, ये मेरा डॉग यहाँ का राजा है, हम आपके सेवा में हाजिर हैं, आप हुक्म कीजिए। और ये है, ये एंडरमैन का सर है जिसको हमने मारा था, वैसे मैं चाहता हूँ कि विदर स्केलेटन का भी सर आ जाए, सर होगा मेरे पास, मैं सोच रहा हूँ लगा ही दूँ उसका, उसके लिए मुझे ट्राइडेंट चाहिए होगा जिसपे एक इंचेंटमेंट होती है, वो लगानी पड़ेगी। और ये देख सकते हो ये बीकन वगैरह मैंने अभी तक तोड़ के रखा है, और हाँ मैंने विदर को भी मारा है इसमें, अगर आपको वीडियो नहीं देखा तो फटाक से जाके देखना, मैंने विदर को भी मारा है, भूत बना दिया था, पर उसको मारने में वो काफ़ी दिमाग लगा रहा था, तो वाले वीडियो को भी फटाक से जाके देख लेना, आपको सारे वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो। इधर भी चेस्ट हैं, और ये काफ़ी सारे फर्नेसेस, यहाँ एक क्राफ्टिंग टेबल है, इसको क्या बोलते हैं, और ये मेरा कासल का थोड़ा इंटीरियर है। चलो मैं इसको एक बार आपको रात का लुक दिखाता हूँ कि ये रात में कैसा दिखता है। तो ये देखो, ये हमारा कासल का लुक रात के टाइम पे, जो कि काफ़ी मतलब वर्ल्ड का, कासल का क्यों मैं बोल रहा हूँ, वर्ल्ड का लुक देखो गाइस, काफ़ी तगड़ा मतलब ब्यूटीफुल सा लुक आता है। ये तो हमारा मेन एरिया हुआ, जो कि हमारे कासल का है, और ये हमारा पीछे का एरिया है, और ये वो तोड़फोड़ एरिया है जो मैंने शुरुआत में बनाने के टाइम किया था। और ये हमारा पांडा हाउस, ये मेरा छोटा सा फार्म, ये पोलर बियर हाउस, ये फूड फार्म, ये शिपयार्ड, ये क्रीपर फार्म, फिर ये एक आयरन फार्म, फिर हमारा एक जाइंट पिरामिड, और फिर उसके बगल में एक और आयरन फार्म, तो काफ़ी सारी चीज़ें बना रखी हैं गाइज मैंने। तो चलो गाइज, आज की वाली वीडियो इतना ही
वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना। ये वीडियो कुछ नहीं था, बस मैं आपको अपना वर्ल्ड का एक्सप्लोरेशन करवा रहा था, मेरे ब्यूटीफुल से वर्ल्ड का, क्योंकि मैंने कभी भी ऐसा टूर नहीं दिया था किसी को। मतलब हर वीडियो तो मैं बनाता था पर टूर कभी नहीं दिया था, तो आज का वीडियो सिर्फ टूर वीडियो था। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर लेना। तो आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।